नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक बार फिर से हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको भी हिचकी की समस्या हो रही है तो इस समस्या से आप किस प्रकार निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि हिचकी आने के आखिर क्या क्या कारण भी होते हैं और इसके क्या क्या घरेलू उपचार हो सकते हैं जिसके माध्यम से हिचकी की समस्या को आप आसानी से सोल्व कर लें। दोस्तों हिचकी की समस्या बेहद आम समस्या होती है क्योंकि यह समस्या किसी को भी हो सकती है। अगर थोड़े से समय में हिचकी बंद हो जाए तो यह एक गंभीर समस्या नहीं होती है, बिल्कुल ही साधारण समस्या होती है। लेकिन अगर लगातार हिचकी आने की परेशानी होने लगे तो ऐसे में हिचकी को बंद करना जरूरी होता है क्योंकि लगातार हिचकी आने पर दिमाग काम करना बंद कर देता है। यदि आपके साथ भी कभी कभी लगातार हिचकी आने की समस्या हो जाती है तो ऐसे कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं जिनको अपनाकर आप अपनी हिचकी को रोक सकते हैं, हिचकी की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं और इससे निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों वो उपाय बताने से पहले, वो घरेलू उपचार बताने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर हिचकी आने का कारण क्या होता है। दोस्तों हमारी छाती व पेट के बीच में एक डायफ्राम होता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं या फिर सांस को छोड़ते हैं तो यह ऊपर नीचे होता है। इस कारण हम बिना कोई विशेष आवाज़ किए सांस लेने की क्रिया करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी यह डायफ्राम सिकुड़ जाता है। इसके सिकुड़ने के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला, जल्दबाजी में अगर आप खाना खा रहे हैं तो इस वजह से भी आपको हिचकी चलती है और डायफ्राम बिगड़ जाता है। दूसरा, अगर आपको पेट में गैस या फिर अम्लता अगर है और वो बढ़ रही है तो इस कारण भी आपको हिचकी आती है। तो दोस्तों हिचकी आने के कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि अधिक देर तक आप हंस रहे हैं बहुत ज़्यादा देर तक तो आपको हिचकी आ सकती है। अगर जल्दी में कोई गर्म पानी आप पी लेते हैं तो इसके कारण भी आपको हिचकी आ सकती है। अगर आप ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं तो हिचकी आपको आ सकती है। या फिर चिंताग्रस्त व दुखी अगर आप रहते हैं तो इसके कारण भी आपको हिचकी की शिकायत हो सकती है। तो ये तो बात कर ली हमने कि आखिर हिचकी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या घरेलू उपचार हैं और किन घरेलू उपचारों को, उपायों को अपनाकर हिचकी की इस समस्या को हम दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला उपाय ये कि पुदीने के पत्ते में हिचकी रोकने के बहुत ही विद्यमान गुण होते हैं। यदि स्वाद अच्छा ना लगे हो तो थोड़ी सी आप चीनी मिलाकर पुदीने के पत्ते का सेवन करें, इससे आपकी हिचकी जरूर रुक जाएगी। इसके अलावा प्याज भी हिचकी बंद करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए इसके रस में थोड़ा सा शहद मिलाएं और फिर इसे आप चाटें। निश्चित ही आपको इससे 100% लाभ होगा हिचकी को रोकने में। तो दोस्तों तीसरा जो उपचार आता है वह है, हिचकी आने पर थोड़ी सी काली मिर्च तवे पर गर्म करें, उसे जलाएं और फिर उसका धुआं लें, और इसका अगर आप धुआं लेते हैं तो इससे भी आपकी हिचकी आसानी से रुक जाएगी। दोस्तों हिचकी हींग में भी हिचकी रोकने का एक अद्भुत गुण पाया जाता है। हींग खाना अच्छा नहीं लगता है अगर आपको तो आप हींग की धुनी ले सकते हैं, इससे भी आपकी हिचकी की समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों सौंफ खाने या फिर सूखा धनिया मुंह में रखकर चूसने से भी हिचकी बंद हो जाती है। छोटी हरड़ को शहद के साथ चाटने से भी आपको इससे फ़ायदा हो सकता है और आपको हिचकी दूर हो सकती है। पुराना गुड़ हिचकी रोकने की एक अचूक दवा माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें थोड़ी सी पिसी हुई सौंठ मिलाकर सूंघने से आपको लाभ होता है। चीनी खाने से भी आपकी हिचकी बंद हो जाती है। यदि हिचकी बंद नहीं हो रही है तो एक कप आपको गर्म दूध पानी के साथ पीने से आपको लाभ होता है। बकरी का दूध भी हिचकी रोकने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसके लिए उसमें थोड़ी सी सौंठ मिलाकर पीने से लाभ होता है।
शुद्ध घी से भी हिचकी बंद हो जाती है। घी को गर्म करें, जब वह गुनगुना हो तो 3 चम्मच घी पी जाएं, इससे आपकी हिचकी बंद हो जाएगी। तुलसी और शहद भी हिचकी में गुणकारी होते हैं। तुलसी का रस और शहद मिलाकर चाटने से आपकी हिचकी की समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, यह थे हिचकी को रोकने के असरदार घरेलू उपाय। अगर आप इन उपाय में से किसी भी एक उपाय को या दो उपायों को अपनाते हैं तो आपकी हिचकी की समस्या आप समाप्त कर लेंगे, उससे निजात पा लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल में आपको रोज़ अच्छी अच्छी हेल्थ टिप्स इसी प्रकार रोज़ मिलती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।